गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए कि हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो रागनी आज के प्यारा ब्लॉग को पूरे दाल भात चढ़ा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ आए हुए थे भैया लोग मिलने के लिए, राजस्थान से, वाराणसी से, फिर नैनीताल से आए हुए थे मिलने। इनके स्वागत में जो रागनी बहन लगी हुई है, तो अभी हमको तैयार वैर कर दिए, अच्छे तरीके से टीका लगा दिया, नहा के आए हैं एकदम, बोली भैया क्रीम व्रीम लगा लो। तो आज के प्यारा ब्लॉग को चुका है अभी मॉर्निंग का टाइम। आपके प्यारी बहन रागनी घर में जो बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा रही है, इधर प्यारी सी मम्मी सवेरे सवेरे उठ गई है। गुड मॉर्निंग बच्चों, इतना भाई बहन है सबको गुड मॉर्निंग। बच्चों सब सुबह हुआ है, सब उठिए, मम्मी से आशीर्वाद लीजिए और राजा भाई का एक पक्की हो गया है सुबह सुबह मेरी बच्चों। और ठंडा का मौसम हो गया, देखो पूरा का पूरा चारों तरफ ऐसे कुहेसा लगा हुआ, ऐसा लग रहा अभी तक ठंडा है। देखो पूरा गांव एकदम शांत पड़ा हुआ। क्या काम है? और यहाँ पे भैया लोग अभी आराम कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, काफी थके हुए सब तो चलिए आराम करने देते हैं। बोलो सुहानी जा रही पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो। सुबह सुबह खरगोश को और बकरी को मम्मी सवेरे सवेरे निकाल दिए, और ठंडा का मौसम है अभी, हमारा आवाज़ भी कितना भारी लग रहा होगा। सवेरे सवेरे उठने से ये होता है ना, आवाज़ भारी लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चुन्नू चुन्नू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है ना, जब ये सूर्य देवता जी जब आते हैं तो इतना मस्त नज़ारा आता है, दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसे शाम में भी होता है, दोपहर के टाइम में भी होता है। तो अभी का सीन क्या चल रहा है कि आपकी प्यारी बहन रागनी जो बर्तन को अच्छे तरीके से धुल दिए, और भैया लोग भी सवेरे सवेरे उठ चुके हैं, अच्छे तरीके से बिस्तर विस्तर सब कुछ हटवा दिए हैं, है ना। बाकी मम्मी इधर अपना खातिरदारी में लगी हुई है, नाश्ता वास्ता के लिए रागनी कुछ बनाओ जल्दी से भैया। मम्मी जो है बोली खाना देने से पहले मैं आपका टीका सही कर देता हूँ। बोले ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा मम्मी, बहुत है अपना, हो जाएगा। साथ साथ आशीर्वाद भी, खुश रहो, मस्त रहो और स्वास्थ्य रखी करो। हमारे गांव के परंपरा के अनुसार मम्मी जी है खाना निकाल दिए हैं हमारे जो भैया लोग सब्सक्राइबर लोग आए उनके लिए, अच्छे तरीके से, ताकि वो लोग खा सके। और साथ ही साथ सब भैया को जो है थोड़ा गांव के नदी भी घुमा देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम सवेरे सवेरे टीका उका लगा करके रेडी हो गए, आज मम्मी टीका नहीं लगाई है, रागनी बहन टीका लगाएगी, छोटा टीका लगा दिया है ना। बता कहेंगे ठीक है। तो भैया लोग को हम खाना देने जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भैया से जो मिलने आए सब्सक्राइबर, उनको खाना देने जा रहे हैं भैया। एक्चुअल में गाइस, जैसा कि हमारे भैया लोग आते हैं जितने मिलने के लिए, तो हम सोचते हैं गांव का कुछ ऐसा चीजें दिखाओ जो यूनिक हो। तो मुंबई तो है ना, यहाँ पे बिहार है खास करके, तो ये छोटा सा बीच दिखाने के लिए भैया लोग के लिए आ गए। गोवा के बीच से बहुत ज्यादा बढ़िया है, गोवा के बीच भी फेल है यहाँ पे, मुंबई के बीच से भी बहुत अच्छा जगह है। अरे थैंक यू भैया। एक्चुअल में गाँव का थोड़ा ऐसा हवा चलता रहता, पेड़ छोटे छोटे पौधे ये सब चीजें है ना, तो हमने सोचा कि चलो एंजॉय करवा दिया जाए भाई। हरे भरे हरी भरी मतलब एक तरह गाँव है, उसके बीच में नदी भी है, इतना ऐसा ऐसा चीज हमने यहाँ पे देखा जो हमने बाहर नहीं देखा था, जैसे खाना बनाने का सिस्टम, इतना एडवेंचर टाइप का है यहाँ पर भाई, बहुत ही अच्छा भाई। राजा भाई हमारे को प्लॉट दिलाते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जब हमारे यूट्यूब के इनकम आने लगे जरूर आपको दिलाएंगे, सीरियसली और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें आपके पास। बिल्कुल आपका घर है यहाँ पे, आप कभी भी आओ वेलकम है। पहले भैया के 1 मिलियन सब्सक्राइब करवाओ, उसके बाद सेलिब्रेशन के लिए हम जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। बिल्कुल भैया बिल्कुल वेलकम, चलते हैं घर पे, उसके बाद एक काम है वो करते हैं, उसके बाद हमको कहीं जाना है ना। बिल्कुल, तो मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है हमारे चारों बच्चों का ध्यान रखने के लिए, पीछे पीछे आई, बोले कि नदी में अकेले घूमना सही बात नहीं है, कि तुम लोग कहीं नहा वहा न लो ना, ऐसे इसीलिए मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है। क्या करना मम्मी, प्यारे से हाथों से आपकी प्यारी बहन खाना वाना बनाई है, भैया लोग जा रहे हैं अभी अलग व्लॉग करने के लिए, तो खाना पैक करवा देते हैं ताकि वो रास्ता में अच्छे से खाना खा सके। मम्मी बाबू से खाना बांध दिए, बाबू से जा रहा है अपने। और एक भैया यहाँ पे है, भैया इसको रख लीजिए आप, है ना, इसमें रख लेते हैं। हाँ इसमें क्या क्या बांध दिया, बहुत सारा खाना। अरे अरे कोई बात नहीं, आप लोग अभी ट्रेवल करोगे व्लॉग करोगे समझ रहे हो, भूख भी लगती है, ऐसी बात नहीं, फिर भी बहुत है ये तो। अरे भैया बस मेरे तरफ से छोटा सा आपका बस स्वागत है, है ना। अरे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको, बिल्कुल हकी उतार रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता कितना ज्यादा, किस प्रकार से हम लोग बोले। अरे थैंक यू। दोपहर का टाइम, अभी क्या करना है, जो भैया लोग आए थे उनको जो है ड्रॉप कर देते हैं पटोरी में, पटोरी से वो कहीं अलग जाएंगे व्लॉग करने के लिए, अभी निकलेंगे यहाँ से, करीब करीब आधा या 1.5 घंटा लग जाएगा, है ना। बाकी सभी लोगों से भी छड़ना पड़ रहा है। और यार देखो
एक मिलियन सब्सक्राइब करवा देना भाई के, हम लोग है ना स्पेशल पार्टी करने के लिए, सेलिब्रेशन बड़ा वाला सेलिब्रेशन, सब लोग आएंगे यहाँ पर राजा भाई के घर पे। और सही बता रहे हैं, यहाँ पर आके ना हमको बहुत अच्छा फील हुआ है भाई। भाई की स्ट्रगल लाइफ के बारे में हमने जाना है, मोटिवेशन मिला है बहुत सारा अच्छा, मतलब की भाई को हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और गाइस यार आप लोग भी है ना भाई को हमेशा सपोर्ट करते रहना, प्यारा सा कमेंट करना है। और यार सही बता रहे हैं, हम दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जाना पड़ रहा है हमको, बट फिर कभी है ना जरूर आएंगे। एक सब्सक्राइब जल्दी करवा देना आप लोग, क्योंकि यूट्यूबर की लाइफ होती है एक जगह, वो रुकते नहीं है। और भैया भैया बोल रहे थे 300 के होने के बाद राजस्थान आएंगे, तो भाई 300 के तो एक दो दिन में करवा दोगे? नहीं ऐसा नहीं, 300 के करवाओ, हम वापस आते टाइम है ना हम इनको लेके चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है चले भाई, बिल्कुल चलो। साथ ही साथ मम्मी, मम्मी कहाँ गई? ठीक है आ रहे भैया, सब कुछ हो गया। तो मम्मी से पेट्रोल के लिए पैसा मांग लो जल्दी जल्दी। अरे बाप 50 मांगे तो एक सदी ही होती है। आलू वाला जमा, ठीक है आ रहा है। तो अभी गाइस हम रेलवे स्टेशन पे आ गए भैया लोग को छोड़ने के लिए, इन सबको निकलना है कहीं अलग के लिए ब्लॉग करने के लिए। आप लोग ख्याल रखना, अच्छे तरीके से ब्लॉग करना है ना, सही से जाना, क्योंकि रेलवे का थोड़ा होता है ना फोन वोन सही तरीके से रखना। फिर बस आधे घंटे में ट्रेन आने वाले है ना, बाकी मिस करेंगे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग जा रहे हो। गुड बाय, मिलेंगे फिर हमारी वीडियो में नेक्स्ट टाइम होने पे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट बाइक की वीडियो में नेक्स्ट टाइम जरूर, जब हमारे मिलियन कंप्लीट होंगे या फिर 3 लाख, 3 लाख में तो राजस्थान आऊंगा है ना पक्का आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी भी आऊंगा। कब? इनके यहाँ तो 15 तारीख को आने वाला हूँ। मेरे यहाँ रह गया मैं, नहीं आपके यहाँ भी आऊंगा, स्पेशल आपके यहाँ आऊंगा। हाँ अच्छे तरीके से ब्लॉग करो, मम्मी पापा का ख्याल रखो आप है ना, ठीक है भैया। ओके भैया अपना ख्याल रखिए। तो गाइस भैया लोग को हम बैठा दिए ट्रेन में, अभी निकल रहे घर, क्योंकि अभी हमारे पास 1.5 घंटा बचा हुआ है घर जाने में, और वीडियो भी अपलोड अभी तक नहीं हो पाया है, थंबनेल भी एडिटिंग करना है, सारा कुछ काम करना है, फटाफट अभी निकलेंगे क्योंकि भैया लोग को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा भी मन कर रहा था कि उनके साथ ही चले जाएँ, बट क्या करें थोड़ा घर का काम है। ये ट्रेन है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे इस ट्रेन को, भाइयों को भी एकदम दिल का कनेक्शन से जुड़ाव सा हो जाता है उन लोगों से, कि हाँ एक दो दिन तक रहें, बातचीत किए, अपना दुख दर्द शेयर किए एक दूसरे के साथ, फिर अचानक से बिछड़ना। भैया लोग को छोड़ चुके हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा गांव का एक नज़ारा दिखा दूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पूरी जगह भी पानी था अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहर में पानी है, खेतियाँ होती हैं है ना, और साथ ही साथ बाइक भी स्टार्ट है तो आवाज़ कर रहा हूँ इसके लिए सॉरी है ना। देख सकते हो छोटे छोटे नहर है, और मैं व्लॉग या वीडियो वगैरह शूट करने के लिए पहले आता था एल्बम वीडियो, जैसा कि आपने कल या परसों वाले व्लॉग में देखे होंगे कि किस तरीके हमने छोटा सा शॉट दिखाया था। तो उस जगह पर जहाँ पानी है वहाँ साइड में सुखार है, सुखार के साइड में कैमरा लेकर के जाते थे वीडियो को शूट किया करते। तो गाइस फिलहाल भैया लोग को छोड़ करके चले स्टेशन पे, और सवेरे से हम खाना वाना भी नहीं खाए हैं, और अभी जस्ट मम्मी एकदम डांट रही है कि तुम खाना वाना नहीं खाते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो खाना क्या खाए है ना, पहले भैया लोग पहले फर्स्ट फिर हम। अभी जस्ट अब आए, देखो पूरा मुँह जो है ना धूल से एकदम गंदा हो चुका है, इधर रह गई सुहानी इधर रागनी, और साथ ही साथ अभी लाइट भी चला गया, हालांकि फ़ोन भी डाउन है, और जस्ट अभी 3 बज रहा है सवेरे से, बताओ हम खाना वाना कुछ भी नहीं खाए थे, तो अभी जस्ट खा लेते, थोड़ा एनर्जी डाउन सा लग रहा है। अब सुहानी यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए, चलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हम साइड में खा ले। निकल चुका भुजिया और चोखा, इधर रहा दाल भात, और आप लोग ये खाना खा लीजिए, मम्मी मम्मी सब लोग खाना खा चुकी है, लास्ट बार हमें ही खाना खाने का। अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, आज जो है इवनिंग के टाइम में हमारे लिए जो है हलवा क्या बन रहा है, सिवाई है कि हलवा है आपके लिए? नहीं बैल नहीं, इसको देखिए देखे 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 देखिए, ये मैगी, ये चाउमीन चाट चूरा, ये सब चीजें देखती रहती है ये, है ना? हाँ सो मिल जाए हमको। इधर मम्मी जी अपना आराम कर रही है, चुपचाप सोई हुई है। क्या हुआ मम्मी? अरे बाप रे, सही में 2 दिन पहले भी हमको जो है ना गाइस दांत में दर्द हो रहा था अचानक से, पता नहीं क्यों अपने मन से ही हो रहा था, अभी मम्मी को दांत में दर्द हो रहा है। कौवा वाला कहानी देख रही है, सच में सिपाही बन रहा है ना, देखे जा रहा है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर खाने में क्या बना? अरे दादा हम सोचे कुछ बनेगा स्पेशल, कुछ मानेगी वही चौमिन उमिन मैगी उगी बनता है सुहानी, मैगी बनता है ना। तो एक्चुअल में अभी हम थोड़ा बाहर गए हुए थे तो एक भैया आए हुए थे, तो जस्ट अभी हम आए हैं यहाँ पे घर पे थोड़ा कुछ काम के वजह से, तो उनसे मिल रहे थे, काफी दूर से आए मिलने। जो भैया के बारे में भी बता रहे थे तो जस्ट अभी हम कहीं और चले गए, मतलब क्या बोले हम भैया का ब्लॉग है, इतने बड़े यूट्यूबर है, उनके सामने हम इनके ब्लॉग में बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ। अभी मधुबनी जिला से आया हूँ, रात का टाइम हो चुका है और सिबई और प्यारा सा सब्जी आपकी प्यारी बहन बना रखी है, और इधर आपके दोनों प्यारे जो है नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे अपना पिंजरा में आराम कर रहे, खाना खा रहे। जैसे मॉर्निंग होगा उस टाइम ही ब्लॉग को एंड करेंगे और पूरी रात अभी ब्लॉग को एडिटिंग करेंगे, फिर आप लोग से मॉर्निंग मिलते हैं। गुड नाइट, आइए खाना खा लीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए कि हम एक बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी कुछ कर नहीं सकते हैं, बिहारी हो बिहार के रह करके आप यूट्यूबर बन गए, इतना ग्रो कर गए, बिहारी ये है बिहारी वो है बिहारी इस तरीके का, ऐसा ऐसा कमेंट आता है हमारे ब्लॉग में। तो हमने सोचा था कि कभी ऐसा ब्लॉग बनाएंगे ऐसा टाइम निकाल करके ताकि इस चीज़ का हम व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में हम समझा देते हैं, क्या हम बाहर जाते थे लोगों से मिलने के लिए, दूसरे यूट्यूबर से मिलने के लिए, बड़े भैया लोग से मिलने के लिए, तो हम बिहार से ही जाते थे, मानते थे कि वहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था। कहाँ से? तो बिहार से। तो कई सारे हमने ब्लॉग भी डाला लाइव प्रूफ के साथ कि हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता था कि बिहार के नाम पर। कहाँ से? तो बिहार से। तो अरे बिहारी है, तो ये सब चीज़ें सुनने को मिलता था, मानते हैं। बट इतना बड़ा हम लोग के ऊपर कलंक क्यों लगा है कि हम बिहारी नाम के शब्द से लोग जिसको भी देखते हैं बाहरी लोग जो भी होते हैं भैया लोग, वो थोड़ा ना दूसरे टाइप का वो हो जाते हैं। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊँ, है ना, कि बिहारी नाम एक पाप के समान होता है कि बिहारी बिहारी कह के हम लोगों को ऊपर चढ़ाया जाता है, हमारे खासकर हमारे बिहार के लिए, है ना। तो मैं इस चीज़ को आज मैं थोड़े से लफ्जों में थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का ये जो राजा ब्लॉग है ना, ये बिहार से ही है, है ना। तो पहले एक्चुअल क्या होता था कि हम जीरो थे, तो पहले हम बाहर जाया करते थे तो लोगों से मिलने के लिए, हाँ कुछ कंटेंट दे, कुछ हमारी मदद हो सके, कुछ इस परिस्थिति में हम आगे बढ़ सके। बट आज का यही वक्त है कि राजा ब्लॉग से लोग मीटअप करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए दूर दूर से आते, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कह सकते हो कि गुजरात से, और इधर बहुत सारी स्टेट है जो बाहर में है, बिहार से अलग अलग है, कोलकाता से कह सकते हो, बहुत सारे न्यू दिल्ली से कह सकते हो, हरियाणा से कह सकते हो, इंडिया का ऐसा कोई सा भी कोना नहीं है जहाँ से नहीं, राजस्थान से कह सकते हो, हर जगह से लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं मिलने के? बिहारी से मिलने आते हैं ना। कल का वही लड़का जो बिहार का था, हर प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाता था, कहीं भी काम करते थे तो बिहार नाम से ट्रोल होते थे, कहाँ से? तो अरे बिहारी है ये। तो आज का वक्त देखो कि आज वही बिहारी के ऊपर 2 लाख का सब्सक्राइबर 2.5 लाख का होने वाला है, और वही रहते हैं हमारे ब्लॉग में बिहार को लेकर के कि बिहारी बिहारी बिहारी। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग करूंगा तो बिहारी ऐसे नहीं होते हैं मेरे दोस्त, कभी हमारे बिहार में आकर देखो, लिट्टी चोखा खा कर देखो, कभी यहाँ का सम्मान देखो, कभी यहाँ के लोगों से दिल से बात करके देखो। पता है हमें बिहारी इसलिए कहा जाता है, बिहारी नाम से लोगों को चिड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पूर्वज थे जो है ना नॉर्मल थे, यहाँ पे गरीबी बहुत थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बीच में कुछ रीजनों की वजह से ऐसा हो गया जिसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगी, हमारे बिहार का स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। इस वजह से जो है हम अपने परिवार के पेट पालने के लिए यहाँ पे ना अच्छी फैक्ट्रियाँ है ना कोई रोजगार है, इस वजह से यहाँ के युवा और माता बहनें अंकल जो भी है अपने परिवार के पेट पालने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है सोचते कि अरे इसके यहाँ ऐसा है वैसा है, बिहारी ऐसा वैसा है, तो ऐसा मत सोचिएगा, हम अपने परिवार के पेट पालने के लिए जाते हैं। हाँ मानते हैं कि कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को भी सुनना पड़ता है कि नहीं, हमारा जैसा ब्लॉग देखते हो हमारी परिस्थिति आपने देखा है, कभी आपने गौर किया है कि हमारे बिहार की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है? इस चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को रियलाइज करवाता हूँ कि देखिए हमारी परिस्थिति क्या है बिहार में, इस तरीके से हम लोग जीवन व्यापन करते हैं। अच्छे लोग होते हैं हम लोग, अच्छे पैसे वाले होते, अमीर लोग होते, कुछ हम लोग के रिच फैमिली होते तो शायद ऐसा ना होता हमारे पास, शायद मैं यूट्यूबर भी नहीं बन पाता, आप लोगों के पास भी नहीं आ पाता, है ना। तो एक जुनून था, एक बिहार के नाम से बिहार से प्यार था, तो गर्व से कह दे कि हम बिहारी, ऐसा कमेंट ना करें, तभी मेरे घर आकर के देखिए कि बिहारी होता क्या है, आपको रियलाइज़ कराएंगे हम कि बिहार के लोग कैसे होते हैं, पटना का भेलपूरी खिलाएंगे, और यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने का मन करता है बट कभी दूसरे ब्लॉग में जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, है ना। कभी मेरे घर आइए कि इस तरीके से आपको सम्मान मिलेगा हमारे गली मोहल्ले में बिहार में, आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं।
तो बस गाइस आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कमेंट ना करें, बिहारी नाम के शब्द को ना बदनाम मत कीजिए, क्योंकि हम भी बिहार से गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और हमने बिहार में जो चीज़ें पाया है, हमारा देखो बचपन से ही हमारा उत्तर प्रदेश से और बिहार से दोनों से लगाव है, दोनों से एक तरीके से प्यार सा हो गया और टूट सा बंधन है। तो हम कानपुर प्रदेश में भी पले हैं, बिहार में भी पले हैं, दोनों जगह का हमको प्यार मिला है। बाकी अदर स्टेट में तो हम ब्लॉगिंग करने के लिए जाते थे, वहाँ रहते नहीं थे, दो दिन तीन दिन चार दिन में वापस आ जाते। मैं आप लोगों को सही सही में ये समझाना चाहता हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि बिहारी नाम से ऐसा ना सोचे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी तभी तो पेट पालने के लिए हम बाहर जाते हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा ब्लॉग देख रहे हैं हमारे इस चीज़ को, तो इस ब्लॉग को शेयर करें वहाँ तक कि हमारे बिहार में फैक्ट्री बन सके, अच्छे खासे रोजगार मिल सके। यहाँ के लोग जो होते हैं बाहर में जाते हैं और वहाँ पे क्या सोचा जाता है कि उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, मतलब बहुत तरीके की बात सोचे जाते हैं। तो ऐसा होता है, हम बिहारियों में एक खासियत है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना बसने के लिए तो वहाँ घर बसा लेते हैं, वहीं पे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार ऐसा चल जाए कि हमारे परिवार जो है ना भूखा ना मरे। इसलिए हम लोग इस तरीके से सभी लोगों से मिलजुल करके प्यार करके रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम सब कह सकते हैं एक तरीके से कि बदनाम है। तो ऐसा मत कीजिएगा, मतलब ये छोटा सा हमारे लिए मैसेज है, लेकिन कभी हमें एक ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा ना जिसमें शायरी के रूप में समझाऊं कि हमारे बिहार ने क्या दिया हमारे इंडिया को, हमारे बिहार में क्या है, हमारा बिहार कैसा है ना, इस चीज़ को लेकर बनाऊंगा। तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतने, आप लोग समझ गए होंगे बिहार समस्तीपुर से दिख रहे पूरा फुस्त उड़ गया, अदर स्टेट से दिख रहे पूरा फुस से उड़ गया। बगल में इंस्टाग्राम का आइडिया जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय बिहार।